हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, बस यहाँ हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी दे दी है और एक्सप्रेशन भी चेंज कर दी है। हमने आंसर उसी टाइप से लाना है, बस कैलकुलेशन करके पुट करनी है वैल्यू एक्सप्रेशन में, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और उस वेरिएबल की एक्सप्रेशन में जो हमारी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू -2 दे रखी है एक्सप्रेशन इस टाइप की, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ ये वेरिएबल है वहाँ वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर लाना है। सिंपल सा है क्वेश्चन, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन करा है इसका। तो इसमें तीन पार्ट आए हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर देते हैं आपके लिए। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या निकल के आता है, 4p + 7। तो सबसे पहले पुट द वैल्यू ऑफ p = -2 ये रखनी है बस। तो रख देंगे 4 × -2 + 7। तो -2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, तो माइनस का 8 + 7। तो अब देखो, अब हमने इसको -8, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस का 1। देखो 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो सिंबल किसका, कौन डिजिट बड़ी थी, 8, और उसके पास सिंबल था माइनस का, तो माइनस का आंसर। नेक्स्ट आपको सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में एक्सप्रेशन क्या लिखी है, -3p² + 4p + 7 इस टाइप से। अब बस इसमें -3p बढ़ गया, बाकी इसका तो आंसर माइनस बना रहा है, इसका देख लेते हैं। अब फिर तीनों को प्लस कर देंगे। आगे देखते हैं, हम पुट द वैल्यू लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p = -2, जहां जहां -3 × -2 का² कर देना है, ठीक है, -2 का² कर देना, +4 − 2 + 7। तो इस टाइप से देखो -3 × -2 का² 4 होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। इसका आगे बढ़ेंगे हम, प्लस आगे कितना हो गया, -8 + 7। ब्रैकेट में इसलिए लिया ताकि एक और सिंबल इसके आगे दिख रहा है, जब दो सिंबल रहते हैं तो एक को ब्रैकेट। तो -12 + माइनस का हमारा कितना हो गया, 8, और +7। तो देखो अब हमारा माइनस माइनस वाले प्लस कर देंगे, फिर बाद में माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस वाले कितने हो गए, माइनस का हमारा हो गया है 20 और +7। तो हमारा प्लस माइनस माइनस करना है, तो इक्वल टू आ गया हमारा -13। तो 20 में से 7 जाएगा तो 13, डिजिट कौन बड़ी थी 20, उसके पास सिंबल कौन सा था हमारा, माइनस का। तो इस टाइप से हमारा प्लस माइनस माइनस तो होगा, बट हमारा सिंबल माइनस का आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट करें, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया किस टाइप से हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कोई एक वेरिएबल दे देगा, उस वेरिएबल की वैल्यू दे देगा, फिर एक एक्सप्रेशन देगा, उस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू पुट करनी है उस वेरिएबल की, और आंसर ला देना है कैलकुलेशन करके। बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें, थर्ड पार्ट कर देते हैं हम आपके लिए, यही कर देते हैं, सेकेंड आप नोट करना, थर्ड देखना आप, थर्ड में क्या निकल के आता है। थर्ड थोड़ा इन्होंने और बढ़ा दिए, देखो यहाँ तक था क्वेश्चन, एक और एक्सप्रेशन वो एक और टर्म्स बढ़ा दिए, पहले दो टर्म्स का था, फिर तीन टर्म्स का, अब चार टर्म्स का कर दिया इन्होंने। तो जब इसको करेंगे हम, पूरा इरेज कर देते हैं, थर्ड पार्ट डायरेक्ट नोट हो रखा है पहले से, लाइन लिख देंगे फाइनल। तो यहाँ थर्ड पार्ट के लिए पुट द वैल्यू ऑफ p = -2, तो रख देंगे -2 × -2 का³ इस टाइप से, -2 का³ रखेंगे, -3 × -2 का² + 4 × -2 + 7 इस टाइप से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब -2 का³ होता है हमारा -8, तो -2 कैसे लिखा है, -2 − 2 − 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 तो आ गया, बट जब मल्टीप्लाई हो हमारे माइनस की ओड नंबर में, मतलब ओड टाइम्स बार, तो हमारा माइनस में आता है आंसर, और जब इवन टाइम्स में हो मल्टीप्लाई तो हमारा प्लस में आता है। ये इवन नहीं था, ओड टाइम्स था, 3 × 2 की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब -2 की मल्टीप्लाई अब कितना हो गया, -8, ठीक है। अगर आगे आता है -3 × 4, ये 4 हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई दो बार हो रही है इवन बार, प्लस और ये माइनस हो जाएगा 8 और +7, जैसे कि हमने अभी आपको ये करके दिखाया है ऊपर थर्ड पार्ट वो सेकंड पार्ट में। इसके आगे आता है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये
16 आ जाएगा हमारा प्लस का 16, इसका हमारा माइनस का 12, या माइनस का 8 और प्लस 7, प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस, 7 और 16 कितना हो गया हमारा 23 हो गया, और 12 और 8 हमारा हो जाएगा माइनस का 20, तो फाइनल आंसर निकल के आता है हमारा 3, 23 में से 20 गया 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन होने तो बहुत ईजी है, बाकी आपको भी समझ में आएंगे अगर आप निकाल के देखोगे, बाकी इंट्रोडक्शन जरूर देखना हमारा, बार बार हम आपको वही कह रहे हैं, अगर इंट्रोडक्शन देख लिए तो ये एक्सरसाइज दोनों ईजी होगी आपके लिए, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, धन्यवाद।